हे hey गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप अच्छे होंगे तो गाइज़ मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट कॉल सेटिंग्स के बारे में तो गाइज़ सिंपल सिंपल से स्टेप्स जो कि आपको देखने हैं और वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी स्मार्ट कॉल सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइज़ ठीक है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं तो गाइज़ सारे फ़ोन के अंदर आप गूगल का डायलरी देखने को मिलता है तो हमारे फ़ोन के अंदर भी हमको गूगल का डायलरी देखने को मिलता है ओके गाइज़ तो रिसेंट में आके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्या कैसे हैं ओके गाइस तो चलिए अब यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं तो गाइस आपको इस सेटिंग के अंदर जाना है ठीक है और यहाँ से हम सेटिंग के अंदर जाते हैं सेटिंग के अंदर आने के बाद गाइज़ सबसे पहले आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्सिस का तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करने के बाद गाइज़ आपको यहाँ पे चार मैसेज देखने को मिलते हैं कांट टालक नाव ठीक है आई विल कॉल यू बैक लेटर ठीक है आई आई विल कॉल यू बैक लेटर आई विल कॉल यू बैक राइट नाव आई कान टालक नाव ये सारे आपको देखने को मिलते हैं ठीक है तो ये मैसेज क्या ये क्या, क्या काम करते हैं गाइज़ आपके पास एक इनकमिंग कॉल आती है तो गाइज़ उस इनकमिंग कॉल के दौरान आप उस फ़ोन को रिसीव करना नहीं चाहते कट करना चाहते हैं तब गाइज़ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप कॉल कट कर दें और साथ ही साथ एक मैसेज भी सेंड कर दें जिससे क्या है कि जिससे कि सामने वाले बंदे को पता चल जाए कि भाई साहब कॉल कट हो गई बाद में बात कर लेंगे ओके इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉलिंग अकाउंट्स का तो इस पर आपको क्लिक करना है कॉलिंग अकाउंट्स पे वोडोफोन पे गाइस हम क्लिक करेंगे तो वोडोफोन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टर्न ऑन वीडियो कॉलिंग तो जो कि हमने यहाँ से इनेबल करके रखी है तो आपको वीडियो कॉलिंग के लिए इसको इनेबल करना पड़ेगा तभी आपकी वीडियो कॉलिंग होगी अगर आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तो आपके पास वीडियो कॉल नहीं आएगी इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉल फॉरवर्डिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है अगर आप कॉल फॉरवर्ड करना चाहें इस नंबर की किसी दूसरे नंबर पर तो सिंपल तरीके से आप कॉल फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे कॉल फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद गाइस वॉइस कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं या फिर वीडियो कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेंगे ओके फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर लेना है इसके अंदर एक फीचर आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका नाम है कॉल वेटिंग जैसे कि गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे हो डूरिंग ए कॉल नोटिफिकेशन मी फॉर इनकमिंग कॉल तो इसको आप इनवल रखें तभी आपको दूसरी कॉल आ पाएगी जब आप कॉल वेटिंग में होंगे तो ओके okay गाइज़ तो ये कुछ सेटिंग्स थी जो आपको अब तक समझ में आ गई होंगी इसके बाद गाइज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ब्लॉकड नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको ब्लैक लिस्ट का मतलब आप कैसे कैसे किस किस नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं गाइज़ वह चीज़ आपको देखने को मिलेगी तो गाइज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लॉक नंबर नॉट इन कॉन्टैक्ट आप वो नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं जो आपकी कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं है ब्लॉक अनाओ एंड हेड इन नंबर तो आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं ब्लैक लिस्ट के अंदर आप जाकर चेक कर सकते हैं कितने नंबर हैं अगर कोई नंबर डालना है तो प्लस करके आप इजी तरीके से एक्स वाई जेड कोई भी नंबर यहाँ पे आप टाइप करेंगे और ऐड कर देंगे वो नंबर ब्लॉक्ड हो जाएगा उसको अनब्लॉक करना है तो डिलीट वाले बटन पर क्लिक करके आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं ओके तो इस प्रकार से ब्लॉक्ड कॉल्स और ब्लॉक्ड मैसेज वगैरह देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक्ड कॉल पे आप चेक कर सकते हैं कितनी कॉल आपने ब्लॉक कर रखी है और ब्लॉक मैसेज पे जाके कर सकते हैं आप कितने मैसेज अपने ब्लॉक कर सकते हैं ओके गाइस इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इस फोन के अंदर एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है कॉल रिकॉर्डिंग का तो गाइस ये जो ऑप्शन है कॉल रिकॉर्डिंग पर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है ठीक है तो ये बहुत लिमिटेड आपको ऑप्शन देखता है मतलब बहुत लिमिटेड ऑप्शन देता है आपको पहली बात तो ये कि गाइज़ आपका ये अनाउंसमेंट करता ही करता है दूसरा गाइज़ यहाँ से आपका डिलीट रिकॉर्डिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज़ आप चाहें तो उसको सेवन डेज वाल रिकॉर्डिंग डिलीट कर दें या फिर आफ्टर फोर्टी डेज़ या फिर आफ्टर थर्टी डेज़ वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी नंबर्स नॉट इन कॉन्टैक्ट तो गाइज़ आलवेज़ रिकॉर्डिंग पर आप क्लिक कर देंगे ठीक है तो गाइज़ आलवेज़ रिकॉर्डिंग पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन के अंदर जो नंबर्स मतलब कि आपके पास एक इनकमिंग कॉल आएगी ठीक है तो नंबर नॉट इन कॉन्टेक्ट्स लिखा हुआ है तो आपके फ़ोन के अंदर जो नंबर तो मतलब नहीं है वो तो रिकॉर्ड होगा होगा डेफिनेटली होगा आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने की उतनी पड़ेगी ऑलवेज़ रिकॉर्ड सिलेक्टेड नंबर्स पर अगर गाइज़ आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो गाइज़ यहाँ पे आप ऑलवेज ऑलवेज रिकॉर्डेड पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ से चूज ए कॉन्टेक्ट पर क्लिक करके आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी एक बंदे का नंबर जो आपको रिकॉर्ड करना ही करना है ठीक है तो सपोज़ करो गाइज़ मैं इस नंबर को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो गाइज़ ये नंबर से जब जो मेरे पास कॉल आएगी तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होगी ही होगी ओके बट गाइज़ वही है कि आपको अनाउंसमेंट तो जाएगा ही जाएगा तो ये चीज़ आप जरूर से ध्यान में रख सकते हैं ओके गाइज़ इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्लिप टू साइलेंस तो इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको गाइज आप यहाँ से इनेबल कर लेंगे तो गाइज़ अब आपका फ़ोन जो है कि आपके पास फोन के पास कोई भी इनकमिंग कॉल आएगी और आप अपने फोन को फ्लिप कर देते हैं तो आपकी इनकमिंग कॉल जो है वो साइलेंट हो जाती है ओके okay गाइज़ तो एक फीचर इस फोन के अंदर आपको और देखने को मिलता है तो उसके लिए गाइज़ हमको जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर ओके गाइज़ सेटिंग के अंदर जाने के बाद गाइज़ यहाँ पे आपको एक फीचर्स देखने को मिलता है जो कि है स्पेशल फंक्शंस के अंदर इस पर आपको क्लिक कर लेना है स्पेशल फंक्शंस के अंदर क्लिक करेंगे हम तो गाइज़ इस पर अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं तो एक्शन एंड जस्टर्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इसके अंदर आप देखेंगे तो फ्लैश फॉर कॉल्स इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो आपके पास जो कॉल है वो फ्लैश होगी मतलब आपके पास इनकमिंग कॉल आएगी तब तो की फ्लैश लाइट जो है वो होगी ओके गाइज तो ये कुछ फीचर्स थे आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे गाइज़ अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को कल नहीं सब्सक्राइब तो गाइज़ बहुत ही लिमिटेड फीचर्स रह गए हैं जो भी थे मैंने आपको सारे बता दिए मुझे नहीं लगता कि अब इसमें अंदर इसके अंदर कोई भी फीचर्स आपको बताने लायक रह गया है या फिर कोई भी फीचर्स के अंदर बचा है तो गाइज़ मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गाइज़ बाय एंड टेक केयर और जैसे कि मैं देख पाया हूँ यही सारे ऑप्शन हैं ओके गाइज़ तो इस पर अगर हम क्लिक कर लेंगे तो भी यहाँ पे कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता ओके गाइज तो मिलते हैं आप सभी किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर